हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी ने सेंट्रल रीजन और नॉर्दर्न रीजन का भी टीयर टू का स्टेटस आउट कर दिया है। जो भी बच्चे चाहें चेक कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इससे एक और ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि एसएससी एग्ज़ाम कराना चाहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मेजर ऑडियंस है, जो लोग फॉर्म ज़्यादातर भरते हैं, वो नॉर्दर्न रीजन और सेंट्रल रीजन से ही रहते हैं। तो यूपी और बिहार और दिल्ली और आसपास का जो एरिया है, जयपुर है, राजस्थान है पूरा, तो यहाँ से मैक्सिमम ऑडियंस जो फॉर्म को फिल करती है। तो यहाँ के लिए भी अगर एडमिट कार्ड का स्टेटस आउट कर दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि एसएससी कुछ गलती करना चाह रही है। कोविड इतना फैल रहा है, स्टिल अगर वो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना चाह रही है, 29 एक ही डेट को एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, ये चीज़ ठीक है। एटलीस्ट दो दिन तीन दिन नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि डबल ओ का एग्ज़ाम होता है एक दिन पहले से, तो 28 को डबल ओ का और फिर 29 को मैथ्स और इंग्लिश, और फिर जो भी बच्चे स्टैटिक्स के लिए देते हैं, तो तीन चार दिन तो फिर भी लग ही जाने हैं। और एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है तो चीज़ तो ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी साइड से क्या कर सकते हैं उस पर कुछ सोचते हैं। और आप लोग तैयार हो जाइए पूरी तरह से रण के लिए, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो 29 जनवरी ये डेट है, एक ही दिन है, सभी जगहों पर एक ही दिन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा सारे रीजन्स में। तो एसएससी सीजीएल का टीयर टू का स्टेटस आउट हो चुका है, बी प्रिपेयर्ड, रेडी हो जाइए। जिन भी बच्चों ने टीयर वन क्लियर कर लिया है, आप सभी को ऑल द बेस्ट, और अपनी तैयारी को फाइनल स्टेज में रिवीजन वगैरह कर लीजिए। पूरे पॉइंट्स को एक बार फिर से नोट डाउन करिए, कहाँ कहाँ पर आपने जितने भी मॉक टेस्ट अभी तक अटेम्प्ट किए हैं उनको अच्छे से रिवीजन करिए, और बी रेडी, ऑल द बेस्ट।